अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यसीन। आप देख रहे हैं जसीम सैयद ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम लोग का लास्ट डे है करबला में। अभी हम जा रहे हैं हरम ए हुसैन। चलिए उधर पहुँच कर मिलते हैं। बनी अमर बिन साथ दोनों का लिखा है। बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं मौला के दरबार में। तो नागालैंड पहुंच गए इमाम हुसैन के दरबार पर। सामने नज़र आ रहा है इमाम हुसैन का दरबार और सामने अब्बास अलमदार का गुंबद। आज हमारी है ज़ियारत विदा। चलिए अंदर मिलते हैं आप। तो नागालैंड पहुंच गए इमाम हुसैन के हरम शरीफ में। सामने आपको गुंबद दिख रहा होगा। पूरा हरम है इमाम हुसैन का और सामने इसके अब्बास अलमदार। अंदर इमाम हुसैन का रहा और लेडीज़ की एंट्री है पर आगे जेंट्स की। आज लेंगे गन शोदा। यहाँ पर सभी एक साथ में मस्तन किया है। सुना जनाब है इमाम हुसैन के खास दोस्त ज़ाहिर करते हैं। ये मारा दो मिनट दर्द इमाम हुसैन पे। दो मिनट रुकन ना जाएगा वहाँ तो पेश कर दूँ। नाज़रीन ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूसा काज़िम के पोते। नाज़रीन सामने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ियारत कर रहे हैं। तो नाज़रीन ज़ियारत हो चुकी है इमाम हुसैन की और अब जाएंगे अब्बास अलमदार के रोज़े पर जो कि है पीछे। और यहाँ पर इमाम हुसैन का रोज़ा मेन गेट ये। और जो ये पूरा रास्ता है बीचों बीच इसे कहते हैं बैनुल हरमैन। तो चलिए दारत कहते हैं अब्बास अलमदार। नाज़रीन ये जो बीच में अब वहाँ से लेकर वहाँ तक फासला जो है इसे बीच में बैनुल हरमैन कहते हैं। और सामने अब्बास अलमदार का रोज़ा और यहाँ पर इमाम हुसैन। अंडे का कहना है छाए में से निकल ये अब्बास अलमदार मौला अब्बास का रोज़ा। कितना खूबसूरत माशाल्लाह। अब नाज़रीन सामने नज़र आ रहा है इमाम हुसैन का रोज़ा। अभी भी आधा है आपको पूरा दिखाता हूँ। माशाल्लाह अब दिख रहा है गुंबद इमाम हुसैन। माशाल्लाह नाज़रीन और भी बेहतर आ रहा है इमाम हुसैन का गुंबद का फ़ोटो। अच्छा है खतरनाक। अब हम आ गए हैं इमाम हुसैन के सामने। अब्बास अलमदार का रोज़ा है और अब्बास अलमदार के रोज़े में हम लोग आए हैं पर शायद साहब को ना दिख रहा है। पूरा अब्बास अलमदार का चलिए ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन आप ये जो जगह देख रहे हैं वो अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आपको ज़ियारत भी करा देंगे। ये है अब्बास अलमदार का रोज़ा मुबारक। अस्सलामु अलैकुम।
डब्बा समंदर होगा, यहाँ से डब्बा समंदर का मीनारा जो है एकदम साफ दिख रहा है माशाल्लाह। बस डब्बा समंदर हर साल हमें मौका दे आने का इधर, और हर साल हम आए यहाँ पर हाजिरी भरने, और इंशाल्लाह। और ये जो नाजिर आप पूरा दिख रहा है पर गोल्ड एंड डायमंड्स का है, ये जितना भी है प्योर गोल्ड एंड डायमंड्स। पिल्लर यहाँ का प्योर गोल्ड मशीन, ये पूरा अब्बा सलंदर का रोजे के बाहर का वो है, और ऊपर मीनार है, और यहाँ पर अब्बा सलंदर का अंदर रोजा नजर आ रहा है आपको। आपको नाजिन आपको पूरा दिख रहा है प्योर गोल्ड एकदम, एंड ऊपर जो चमकीदार चीजें दिख रही है वो डायमंड्स की है। मुझे पूरा अब्बा सलंदर का म्यूजियम हरम, एंड ये म्यूजियम है। माशाल्लाह ज़्यारत हो चुकी है, और अब हम कल एक और ब्लॉग आएगा रात का ज़्यारत विदाई का। अभी तो सिर्फ एक बार आए थे वापस से, और क्योंकि देखने का मन था, और अब रात को कल एक ब्लॉग आएगा सुबह तो लाइक कर देना एंड चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।